खोलो भाई दरवाजा। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इतनी परेशान हो रही है, अंदर है। जाओ बोलो डॉक्टर आए देखने के लिए। बुखार नहीं उतर रहा बिल्कुल, समझ नहीं आ रही क्या हुआ। वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, मेरे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सुकून की दवा दे दें, कुछ सुकून की दवा दे दें, मेरी जान निकल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई है मेरे पूरे जिस्म में। जी जी ऐसा होता है इस बीमारी में, मैं चेक करता हूँ। सब कमजोर बहुत हो गई है, इसके लिए कुछ दवाई वगैरह ले लीजिएगा। ताकत के लिए रोजाना एक ड्रिप लगेगी, मैं ले लेता हूँ आपको। अबू डॉक्टर साहब मेरा जिस्म जल रहा है। क्या है? अबू अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनको कैंसर के अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। आपको अंदाजा है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने अरे बड़े डॉक्टर के पास गया था कैंसर के, उसी ने भेजा इस डॉक्टर को। अरे अबू मैं ये कह रही हूँ कि अरे वो ये इंजेक्शन लगा रहा है ना, उसी डॉक्टर ने कहा है कि इंजेक्शन लगाओ तभी ठीक हो जाएगी, तो कैंसर के अस्पताल ले जाना। अबू आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें, अम्मी ने थोड़ी देर पहले ही सारा का सारा। अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, चुप रहो बस। इंजेक्शन अभी लगना? जी आप ले आइए, मैं लगा देता हूँ। आप परेशान ना हो, इस बीमारी में ऐसा होता है, इनको रोजाना इंजेक्शन लगेंगे, उससे इनका बुखार भी उतर जाएगा और दर्द में भी कमी होगी इंशाल्लाह।